हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा जो है बीएड प्रैक्टिकल का फोर्थ वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रो देंगे अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है कि एन एक्सपेरिमेंट इज़ एन ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। मतलब एक्सपेरिमेंट वो है जो इसको हम एक कंट्रोल्ड कंडीशन में जो है ऑब्जर्व करते हैं। और इसी तरीके से कुछ एक दो डेफिनेशन और नीचे यहाँ पे हम जो है मेंशन करते हैं एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए। इसी तरह से वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, वेरिएबल्स के बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो देते हैं फाइल में। जैसा कि यहाँ बताया गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, दोनों की छोटी छोटी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। तो ये भी आपको जो है अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है उसके कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ प्रैक्टिकल, मतलब जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है और फोर्थ प्रैक्टिकल है, इसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो प्रैक्टिकल है इसका जो नाम है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है फ्री एसोसिएशन टेस्ट। तो फ्री एसोसिएशन टेस्ट में क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। फ़िलहाल हम थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, एसोसिएशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एसोसिएशन की क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि एसोसिएशन कैसे होता है, क्या है इसका रिलेशनशिप, क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है डिफ़ाइन की गई हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। इसका क्लासिफिकेशन जैसे बताया गया है, क्लासिफिकेशन में एसोसिएशन मतलब कितने टाइप का होता है, फ्री एसोसिएशन क्योंकि हमारे यहाँ फ्री एसोसिएशन टेस्ट है तो इसी के ऊपर बात की गई है। इसमें कंट्रोल्ड एसोसिएशन भी होता है और इसके बाद आ जाते हैं लॉस ऑफ एसोसिएशन। प्राइमरी लॉज ऑफ एसोसिएशन में जिसपे हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बेस्ड है, उसमें देखिए सबसे पहला है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ कंट्रास्ट, लॉ ऑफ कॉन्टिग्युटी एंड कॉन्टिग्युटी ऑफ टाइम, कॉन्टिग्युटी ऑफ स्पेस। सेकेंडरी लॉज ऑफ एसोसिएशन में आप देखेंगे लॉज, लॉ ऑफ प्राइमरी, लॉ ऑफ रियंसी एंड लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो ये कुछ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो लॉज हैं इसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। एक और है यहाँ पे लॉ ऑफ डिवाइडनेस एंड लॉ ऑफ इंटरेस्ट, लॉ ऑफ मूड। तो ये जो है हमारे सेकेंडरी में आते हैं। डिटरमाइनर्स ऑफ एसोसिएशन, नेचर ऑफ स्टिमुलस, ये सब चीज़ आपको डिफाइन करनी है, नेचर ऑफ एसोसिएशन, प्रैक्टिस, एज एंड सेक्स, डायरेक्टनेस ऑफ रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। इनका कोई ज़्यादा देखा जाए तो कोई मतलब नहीं है, मेन है जो आपको प्री एसोसिएशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ना है और ये सब चीज़ें उतना नहीं है, बस ये ऐसे ही लिख दी गई हैं और इनको ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। मेन आपका जो है वो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और जो आपका स्टार्टिंग मैंने जो इंट्रो आपको दिखाया, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फ्री एसोसिएशन क्या है, फ्री एसोसिएशन के अंदर कौन कौन से लॉज हैं वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। अब हम आते हैं अपने मेन प्रैक्टिकल पर। मेन प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपको नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखना है जो कि है फ्री एसोसिएशन टेस्ट। पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखना है, तो पर्पस यहाँ पे है हमारा टू स्टडी द डोमिनेटिंग लॉ ऑफ एसोसिएशन इन सब्जेक्ट बिहेवियर बाय मेथड ऑफ फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन के थ्रू हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट के अंदर कौन सा जो है वो लॉ ऑफ एसोसिएशन है उसके बिहेवियर में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इसी को हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जो है आगे अब डिटेल देंगे सब्जेक्ट की, जो भी हमारा सब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंटर है उसका डिटेल यहाँ पे देंगे और उसकी क्वालिफिकेशन, एज जो भी है, और इसके बाद डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट में हम वही डेट, टाइम एंड प्लेस कहाँ पर ये कंडक्ट किया गया है। इसके बाद हमेशा की तरह हमारा जो टॉपिक आता है वो है मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल्स में क्या क्या लगेगा, पेंसिल, रबर, स्टॉप वॉच और ग्राफ पेपर, ए फोर शीट एंड लिस्ट ऑफ 100 वर्ड्स बाय कैंट रोजनॉफ। तो यहाँ पे आपको एक शीट प्रोवाइड की जाएगी, उसमें 100 वर्ड्स आपको दिए गए होंगे, उन्हीं 100 वर्ड्स के सामने आपको जो है
जो भी आपके दिमाग में वर्ड आता है, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में, आपके नहीं मतलब सब्जेक्ट के दिमाग में जो भी वर्ड आएगा वो आपको बताएगा, और आपको उसको जो है शीट पर नोट करना है, साथ ही साथ उसका टाइम भी नोट करना है कि उसने कितनी देर में, कितने सेकंड में उस वर्ड का रिस्पांस दिया। तो मैं भी आपको आगे बताऊंगा जब शीट आएगी। फिलहाल प्राइमरी प्रिपरेशन में आपको बताना है कि क्या क्या प्राइमरी प्रिपरेशन आपको करनी है, प्रॉपर सेटिंग अरेंजमेंट और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और सारी चीज़ें जो है मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रिकॉशंस क्या क्या देने हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। इसके बाद प्रिकॉशंस में करीब 10 से 12 पॉइंट्स हैं, आपको ये मेंशन करने हैं। इंस्ट्रक्शंस में क्या, इंस्ट्रक्शन क्या होंगे सब्जेक्ट के लिए, वो आपको बताना है कि कैसे उसको इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है, और नो आंसर इज़ गिवन करेक्ट और रॉन्ग, किसी भी आंसर को हम रॉन्ग या राइट नहीं हमें यहाँ पे देना है। आफ्टर आंसरिंग टेल मी द रीज़न फॉर ऑल योर रिस्पॉन्सेज, एक रीज़न भी साथ में वहाँ पे आपको देना है कि आपने जो है जो उस वर्ड का जो रिस्पॉन्स दिया है वो क्यों दिया है, कि वो उस चीज़ से रिलेटेड है। कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है बैट एंड बॉल, जैसे अगर वर्ड दिया हुआ है बैट, अगर उसके साथ में सब्जेक्ट रिस्पॉन्स करता है बॉल, और उससे जब रीज़न पूछा गया कि तुमने बैट के साथ बॉल ही क्यों बोला, तो उसने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ या मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा है, तो ये हो जाएगा उसका, हमारा जो रीज़न होगा उसको हम वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इस तरह से ये आपको जो है टेस्ट को, सॉरी एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे जो है कंडक्ट करना है। मेथड लिखना है, मेथड में वही चीज़ें हैं कि 100 वर्ड है, आपको एक स्टॉप वॉच की मदद से कितने टाइम में जो भी है वर्ड का रिस्पॉन्स दिया गया उसको मेज़र करके वहाँ पर लिखना है, शीट को फिल करना है। अब देखिए ये शीट यहाँ पे सामने आ चुकी है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, जैसा कि पहला वर्ड है यहाँ पे टेबल, टेबल के साथ जो है सब्जेक्ट ने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया डेस्क, और रिस्पॉन्स टाइम जो उसने लिया वो लिया 1 सेकेंड, और इंटरप्रिटेशन में उसने कहा कि बोथ यूज्ड फॉर राइटिंग, मतलब टेबल पे लिख रख करके हम लिखते हैं, उसी तरीके से डेस्क पर भी हम रख करके लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है, जो काम एक्सपेरिमेंटर का है वो यहाँ पे देखेगा कि इसमें कौन सा लॉ लग रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो टेबल और डेस्क दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा नाम अलग है, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जो है सिनोनियम है, सिनोनिमस वर्ड है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी हमने लिया है, डार्क का लाइट उसने रिस्पॉन्स दिया हमारे सब्जेक्ट ने, सेकेंड वर्ड आप देख रहे हैं डार्क का लाइट, और उसका उसने इंटरप्रिटेशन दिया कि नाइट इज़ डार्क। लेकिन अगर हम वर्ड को यहाँ पे देखें, डार्क एंड लाइट दोनों अपोजिट वर्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंट्रास्ट। लॉ ऑफ कंट्रास्ट का मतलब ये है कि अपोजिट वर्ड्स। इसी तरीके से म्यूजिक एंड सॉन्ग, अब यहाँ लिखा है कि बोथ अकर एट अ टाइम, ये इंटरप्रिटेशन दिया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉ ऑफ कॉन्टिग्युटी। इसी तरीके से सिकनेस ओल्ड पीपल, तो यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा लॉ पर्सनल। तो इस तरीके से आपको लेकर के चलना है, कुछ जगह आपको पर्सनल मिलेगा, कुछ जगह से कॉन्टिग्युटी मिलेगा, सिमिलैरिटी मिलेगा, कंट्रास्ट मिलेगा। तो आपको ये पूरे 100 वर्ड की शीट को जो है उस तरीके से अपने सब्जेक्ट से जो है फिल कराना है। फिल कराने के बाद आता है ऑब्जर्वेशन टेबल। अब ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो डिफरेंट डिफरेंट लॉ है सबके, कौन कौन सा लॉ में बच्चे ने जो है, सॉरी सब्जेक्ट ने जवाब दिया है, वो सारे आपको वर्ड्स एक जगह नोट करने हैं। जैसे लॉ ऑफ कॉन्टिग्युटी में ये इतने सारे वर्ड्स जो है वो हैं सब्जेक्ट ने यहाँ पे दिए हैं हमें, तो हम उन सारे वर्ड्स को नोट कर लेंगे, उनका टाइम नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद जैसे कि इसमें यहाँ पे 22 वर्ड्स जो हैं कॉन्टिग्युटी में हमें यहाँ पे उसकी तरफ से मिले हैं, तो अब हमें यहाँ पे जो मेन चीज़ निकालनी है वो है हमारा एवरेज रिएक्शन टाइम, जो कि आपको यहाँ पे 5th कॉलम में दिखाई दे रहा होगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल रिस्पॉन्स टाइम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम को मेज़र करते हैं, मतलब टोटल टोटल करते हैं उसका, कि एक एक सेकेंड टोटल टोटल किया तो हमने यहाँ पे आया 28 सेकेंड्स, और टोटल स्टिमुलस वर्ड मतलब स्टिमुलस वर्ड कितने थे क्वांटिटी में जो आए वो आए 22, तो उससे हमें डिवाइड करना है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज रिएक्शन टाइम आएगा वो आएगा 1.272। तो इसी तरीके से हमें हर जो है लॉ का हमें निकालना है, जैसे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का भी हमने इसी तरीके से निकाल लिया, लॉ ऑफ कंट्रास्ट का भी निकाल लिया, पर्सनल का भी निकाल लिया हमने, और इस तरीके से हम सबका जो है निकाल करके नोट डाउन कर लेंगे, और फिर उसकी अलग से एक टेबल और हम बनाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने टेबल को प्रिपेयर किया है, और यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ कंटिग्यूटी के 22 वर्ड थे, टोटल टाइम ये था, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम ये था, तो चारों लॉस का हमने जो है निकाल के यहाँ पे नोट कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको ग्राफ पर हमें शो करना है। ग्राफ देखिए आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ। अब देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है आपको लॉस शो करने हैं, और दिखाना है कि किस लॉ में कितने वर्ड आए। तो यहाँ पे पहले में तो हमें ये दिखाना है फर्स्ट ग्राफ में, तो हमने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया है कि किस में कितने वर्ड्स आए हैं। अब ग्राफ एनालिसिस हमें करनी है। ग्राफ एनालिसिस यहाँ पे की गई है कि ग्राफ में कितने कितने कौन से वर्ड्स कितने आए हैं, कितने रिस्पॉन्सेज आए हैं किस लॉ में, और उसके बाद हमें इंटरप्रिटेशन करना है लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी का। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे कि इन दिस लॉ द सब्जेक्ट अटेम्प्ट 22 वर्ड्स एंड टेक 28 सेकेंड, विच मीन्स दैट द सब्जेक्ट हैज़ अ गुड मेंटल एबिलिटी ऑफ कॉन्टिग्यूटी। इसी तरीके से आपको जो है सारे जो हैं चारों लॉज को यहाँ पर डिफाइन करना है। देन कंक्लूजन आपको बताना है, कंक्लूजन क्या रहा आपका, और जो भी आपका एवरेज रिस्पॉन्स जो टाइम था वो कितना रहा, ये सारी चीज़ें आपको कंक्लूजन में यहाँ पर शो करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देना है एट द एंड। तो ये प्रैक्टिकल कुछ इस टाइप से करना है आपको, बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल जो है एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इजी भी है, लेकिन जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और इसी तरीके से आपको करना है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं टेलीग्राम चैनल बना करके वहाँ पर आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल से लेकर के और ये फोर्थ प्रैक्टिकल तक के जो भी वीडियोस आगे आएंगे मैं उनका जो है PDF वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।